हरे कृष्णा, सभी भक्तों का आज के भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज हम भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 19 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करेंगे, मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली, या मैं करूँगा स्क्रीन शेयर? हाँ करो। ओके, तो शब्दों का अर्थ, शब्दार्थ अनुवाद और जो शब्द हैं इस प्रकार से हैं। पादेशु सर्व भूतानि पुंसः स्थितपदः विदुः अमृतं क्षेमं अभयं त्रिमूर्धनः अध्यायी मूर्धसु। पादेषु सर्वभूतानि पादेषु पुंसः सर्वभूतानि स्थितिपदो विदुः पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमभयं त्रि अमृतं क्षेममभयं स्त्री मूर्ध मूर्धनोध्यायी मूर्धसु। मूर्धनोऽध्यायी मूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पादेषु पुंसः सर्वभूतानि स्थितिपदो विदुः अमृतं अमृतं क्षेमाभयं त्रि क्षेमं त्रि मूर्धनो अध्यायी मर्धसु मूर्धसु। निरंजन कोई बोलना चाहेगा मुझे? बोलो। पादेषु सर्वभूतानि पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रि अमृतं क्षेमं क्षेमाभयं स्त्री मूर्धनोऽध्यायी मूर्धसु मूर्धनोऽध्यायी मूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पादेषु सर्वभूतानि स्थितिपदो विदुः पुंसः पुंसः स्थितिपदो विदुः क्षेममभयं त्रि अमृतं क्षेमाभयं स्त्री मूर्धोऽध्यायी मूर्धनोऽध्यायी मूर्धसु। मूर्धसु शब्दार्थ बोलो। ये शब्दार्थ पादेशु आदेशु एक चौथाई में, एक चौथाई में सर्वा सर्वा भूतानि जीव भूतानि जीव पुंसः पुंसः परम पुरुष का पदः स्थितिपदः समस्त भौतिक ऐश्वर्य का आगार समस्त भौतिक ऐश्वर्य का आगार विदुहु विदुहु तुम जानो तुम जानो अमृतम अमृतम अमृतत्व अमरत्व क्षेमम दुख क्षेमम जरा सुख सुख जरा जरा रोग रोग आदि की चिंता से मुक्त आदि की चिंता से मुक्त अभयम अभयम निर्भयता निर्भयता त्रिमूर्धनः त्रिमूर्धनः तीन उच्चतर लोकों से परे तीन उच्चतर लोकों से परे अधाई अधाई विद्यमान है विद्यमान है मूर्धसु
मूर्धसु भौतिक आवरण के पार, भौतिक आवरणों के पार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिधाम स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरण से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। तात्पर्य, भगवान की संदिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत में। भगवान की शक्ति के तीन अंग हैं, संदिनी, संवित तथा अलादनी। दूसरे शब्दों में वे पूर्णतया सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भौतिक जगत में ऐसे स्वरूप का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के शुद्रांश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप का रंच मात्र आस्वादन केवल मुक्त अवस्था में ही कर पाते हैं। जबकि वृद्ध बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्तात्मा है भौतिक जगत में वास करने वाली आत्माओं से संख्या में अधिक हैं। मुक्तात्माएं भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में अधिक हैं और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा एवं व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपर्युक्त संधिनी, संवित तथा अलादनी शक्तियों के महत्व को समझ सकती हैं। भौतिक जगत में सारे लोग तीन गोलोकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलकर भगवान की कुल संधिनी शक्ति का एक चौथाई भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक हैं, जो सप्तावरणों के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के तीन लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से मुक्त एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्गलोक से आगे स्थित महरलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्पांत होने पर महरलोक का संहार हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना होता है। इन लोगों को भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही इनमें अपेक्षतया जीवन ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और अव्याधि से मुक्त तो सप्तावरणों से परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित हैं। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में ये जो चर्चा चल रही है, दो व्यक्तियों के बीच में चल रही है ना, जैसे हम लोग सब सुन रहे पहले से। कौन कौन है? सबसे पहले ब्रह्मा जी और नारद जी। अब ब्रह्मा जी नारद जी को क्या बता रहे हैं, मजा ना पता है आप लोगों को? वो ब्रह्मा जी उनको विराट स्वरूप भगवान का, जो विश्व रूप है, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं किनको? नारद मुनि को, है ना। तो ये श्लोक जो अभी ये चैप्टर जो चल रहा है, ये चैप्टर के पहले श्लोक से लेकर के कुछ 11 या 12 श्लोक तक, है ना, ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के शरीर से किस किस प्रकार से और क्या क्या प्रकट होती है चीजें, है ना। हम लोग सब पहले से सुनते आ रहे हैं ना। तो जो पहला श्लोक है ना, उसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान का जो मुख है
किसका किसका सोर्स है? वाक शक्ति, यानी हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो बोलने की शक्ति है, वॉइस है, वो भगवान के मुख से प्रदान होती है ना, भगवान के मुख से वो शक्ति आती है, और वो जो शक्तियाँ हैं जीवात्माओं में सब में विस्तृत हो जाती है, उसको उनको बांट दिया जाता है। तो उस प्रकार से सारे जीवात्माओं को बोलने की शक्ति प्रदान होती है। कैसे होती है वो शक्ति? भगवान के मुख से निकलती है ना। और दूसरे दूसरे में क्या कहते हैं कि स्किन, उनकी जो त्वचा है, वो त्वचा, उनकी त्वचा से वैदिक मंत्र उत्पन्न होते हैं। जो सारे वैदिक मंत्र हम सुनते हैं उनकी त्वचा से उत्पन्न होते हैं, है ना, उनके जो स्किन है उसमें से उत्पन्न होते हैं। और फिर दूसरा जो उनका जीवा के बारे में, जीवा के विषय में बताया गया है कि उनकी जीवा से अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे गेहूं हुए, है ना, ज्वार है, इस प्रकार की जो जीवात्मा खा सकते हैं, वो अलग अलग खाद्य पदार्थ प्रकट होते हैं उनके जीवा से। फिर आगे श्लोक में बताते हैं कि उनकी जो नासिका है, सुंदर सी नासिका, उसके अंदर जो दो छिद्र हैं, वो दो छिद्रों में से जब वो श्वास लेते हैं तो उसमें से जो अश्विनी कुमार नाम के जो देवता हैं, आपने नाम सुना होगा अश्विनी कुमार, बहुत फेमस है वो, अश्विनी कुमार नाम के देवता उनके नख से, उनकी नासिका से प्रकट होते हैं, है ना। और उनकी जब वो श्वास छोड़ते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो अलग अलग प्रकार की सुगंध, फ्रेग्रेंस, अलग अलग प्रकार की फ्रेग्रेंस उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो विराट पुरुष जो जिसके विषय में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये भगवान का कोई पर्सनल स्वरूप नहीं है, है ना। ये हमें पहले समझ लेना चाहिए कि जो जिस विषय में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये भगवान का कोई पर्सनल स्वरूप नहीं है। इसके विषय में आपको और आगे से मैं उसको चर्चा करूंगा, लेकिन क्योंकि भगवान से हर चीज प्रकट होती है, जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सारे चीज का प्रभु हूँ, सारी चीज मुझसे उत्पन्न होती है, अहम बीज प्रदा पिता, है ना, मैं ही सारे जीवात्माओं का, हर एक प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, है ना। ये चीज भगवद्गीता में भगवान बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं, और यहाँ पर भगवान के महान भक्त ब्रह्मा जी बता रहे हैं भागवतम के दूसरे स्कंद में, है ना। फिर आगे श्लोक में चलेंगे हम लोग, दूसरे तीसरे श्लोक में, तो आगे बताते कि भगवान की आंखें, भगवान की सुंदर सुंदर आंखें हैं जो यहाँ से शुरू होकर पीछे पूरे कान तक जाती है, यहाँ तक, और बहुत सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसके, तो पिंक पिंक शेड्स हैं, बहुत सुंदर सी आंखें हैं। और भगवान का जो शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह, वो श्याम सुंदर रूप, जो जब बादल जब बन जाते हैं हाँ बारिश के समय, उस रंग का भगवान का शरीर है। तो जो भगवान के जो सुंदर सुंदर नेत्र हैं, उसमें से अलग अलग प्रकार के रूप प्रकट होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां होती है, है ना, वो 84 प्रकार जो लाख की जो योनियां हैं, जो शरीर हैं, वो रूप जो हैं, वो भगवान के आंखों से प्रकट होते हैं, है ना। ये भगवान के आंखों से कैसे प्रकट होते हैं, इसके विषय में ब्रह्मा जी श्लोक क्रमांक 3 में बताते हैं, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उनके जो आंख की जो आई बॉल्स हैं, उसको सूर्य के समान, सूर्य के साथ तुलना की गई है, है ना, सूर्य के साथ तुलना किया गया है। और हेवनली प्लैनेट्स, यानी जो स्वर्ग आदि जो ऊपर के जो लोक हैं, स्वर्ग, हाँ, चंद्र, महरलोक, ये सब जो अलग अलग प्रकार के लोक हैं, उन लोकों से तुलना किया गया है, किसको, सूर्य को और हाँ स्वर्ग को। फिर आगे उनके कानों के विषय में बताते हैं, श्रवण इंद्रियों के विषय में, कि श्रवण इंद्रियों से क्या क्या प्रकट होता है। श्रवण इंद्र से कहते हैं कि जो आकाश है और जो ध्वनि है, ये दो चीजें उनके श्रवण इंद्रियों से प्रकट होती है, किन किन के, उनके कानों से, है ना। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो वस्तुएं जो प्रकट हम देख रहे हैं, ये उनके अलग अलग शरीर के विस्तार ही मान लीजिए, लेकिन भगवान इसमें कोई पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं करते। ये क्या करते हैं, जिस प्रकार से कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंडर में सारा कंट्रोल है, जैसे जिस कंट्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे कंट्रोल उसके अंडर में है, लेकिन वो खुद उस सब में जाकर के खुद इंटरफेयर नहीं करता। वो क्या करता है, सारे अपने अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सब में वो चीज़ों को बांट देता है ना। कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई अलग अलग जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मिनिस्टर है, कोई CM है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीज को बांट करके एक तरह से उसका ही कंट्रोल है हर एक पूरी कंट्री पर, लेकिन उसको बांट चुका है। इस प्रकार से भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर से ही सब कुछ प्रकट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको कहते हैं मैनेजमेंट, बहुत सुंदर सा मैनेजमेंट है भगवान का। वो सारे जो देवी देवता हैं उनको नियोजित कर देते हैं,
और उन देवी देवताओं को सारा डिपार्टमेंट सौंप देते हैं कि आप इसका डिपार्टमेंट, आप इंद्र आप बारिश का संभालो, ब्रह्मा जी को क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप क्या करो, सृष्टि करो। सृष्टि भगवान ही कर रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, वो सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों भगवान ही करते हैं, लेकिन वो जो कार्य है इसको भगवान क्या करते हैं, बांट देते हैं अपने जो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लीजिए उनको बांट देते हैं। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान के शरीर में से जो रोम प्रकट होते हैं, रोम के जो बाल होते हैं शरीर पे, जो बाल, वो जो बाल जो है वो वनस्पतियों का कारण है। वनस्पतियां जो हम जो वनस्पतियां खाते हैं, घास फूस जो खाते हैं हम लोग, पालक, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनके जो भगवान उनके उनकी जो रोम है, रोम बाल इन वनस्पतियों के क्या है, कारण है। यानी इन रोम 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 जो है भगवान के शरीर के, इनमें से वनस्पतियां प्रकट होती है, है ना। फिर आगे कहते हैं कि उनकी जो नाखूने हैं उन नाखूनों में से बिजली प्रकट होती है, है? और कहते हैं कि जो लोहा होता है वो प्रकट होता है। तो इस प्रकार के सारे धातु वनस्पतियां जो जीवात्मा खाएंगे, जो जो भी शरीर, जो भी इस संसार में जीवात्माओं को आवश्यक है, भगवान ने सब कुछ प्रकट कर दिया अपने शरीर से। फिर श्लोक क्रमांक 6 में बताते हैं बहुत सुंदर चीज कि भगवान की जो भुजाएं हैं उनमें से देवी देवता प्रकट होते हैं। कौन से देवी देवता? जिनको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जो सामान्य जीव है संसार में उनकी रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई देवता हो, या इंद्र हो मान लीजिए, कोई सूर्य हो, ये जो बड़े बड़े जो प्रमुख देवता हैं, ये भगवान के अंग से प्रकट होते हैं। अंग से इन द सेंस उनके शरीर के जो बाहु हैं, आर्म्स हैं, इनमें से प्रकट होते हैं। श्लोक क्रमांक 6 में इसकी व्याख्या करते हैं ब्रह्मा जी। फिर आगे चल के श्लोक क्रमांक 8 में ये बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि भगवान सारे भय से मुक्त कैसे करते हैं, पता है जीवात्माओं को? अपने चरण कमलों की सुरक्षा दे करके, है ना। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान के चरण कमलों की जो शरणागत हो जाता है चरण कमलों में, निश्चित रूप से वो सारे भय से मुक्त हो जाता है, है ना। इसके लिए कई जगहों पर भगवान कहे हैं, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया, अर्जुन मेरी जो माया है वो बहुत खतरनाक है, इससे कोई बच नहीं पाया और ना कभी बच पाएगा। लेकिन भगवान उसी श्लोक में उपाय भी दे देते हैं, क्या कहते हैं, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरिन्ते। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति मेरा शरणागत हो जाता है ना, ये जो खतरनाक जो माया है, डेंजरस जो माया है, वो उसको परेशान नहीं करती, है ना। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है, भगवान की शरणागत हो जाना। कोई व्यक्ति शरणागत हो गया तो निश्चित रूप से भगवान जो गीता में कहे हैं वो अपने आप उस चीज को अपने जीवन में रियलाइज करेगा। कैसे रियलाइज करेगा? भगवान क्या कहते हैं कि जो उसको कमी है मैं उसको पूरा करूंगा, जो उसको चाहिए मैं उसको दूंगा, है ना। इस प्रकार से भगवान जो गीता में क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं या वादा करते हैं, वादा पूरा करते हैं। और भक्त जो शरणागत हो जाते हैं वो इस चीज को रियलाइज करते हैं, है ना। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, जो भगवान को शरणागत नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, वो लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते और कभी कभी विश्वास भी नहीं कर पाते। और विश्वास न होने के कारण वो अलग अलग प्रकार के भौतिक आश्रयों को अपना साधन बना करके भक्ति में या जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता में भगवान गीता में हर एक अध्याय में कह चुके हैं अर्जुन को कि तू मेरे शरणागत हो जाओ, तू मेरे शरणागत हो जाओ। जैसे दूसरे अध्याय के 49th नंबर श्लोक में आप कहीं पढ़ेंगे तो देखिएगा, दूरेण ही अवरण कर्म कहते हैं बुद्धि योग धनंजय, क्योंकि तुम मटेरियल जो एक्टिविटीज है उससे अपने आप को दूर कर लो, और बुद्धि योग यानी भक्ति योग का दूसरा नाम भी बुद्धि योग कहते हैं, बुद्धि योग को अपना करके मुझे पूर्ण तरह से मेरे शरणागत हो जाओ, तब तुम कृपण नहीं बनोगे। भगवान कह रहे अर्जुन को कि तुम कृपणता पूर्वक काम कर रहे हो। कृपण वो व्यक्ति होता है जो मनुष्य जीवन का अच्छे से यूज नहीं कर सकता, और जो ब्राह्मण होता है वो तो मनुष्य जीवन का अच्छा यूज कर लेता है। तो कृपण और ब्राह्मण में ये अंतर है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे कि तुम कृपण मत बनो, तुम मेरे शरणागत हो जाओगे ना तो तुम कृपणता से बच जाओगे। और आगे आगे जो वर्सेस आएंगे उसमें भगवान उनको क्षत्रिय धर्म के विषय में बताते हैं। तो भगवान के शरणागत होने से व्यक्ति हर एक क्या होता है, भय से मुक्त हो जाता है। तो ये श्लोक क्रमांक 8 है उसमें ये चीज बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि उनके जो चरण कमल है, जो सुंदर से उनके चरण कमल है, हाँ, वो
हर एक जीवात्मा को भय से मुक्त कर देता है ना, भय से मुक्त हो जाता है जीवात्मा जब वो भगवान के चरण कमलों का शरणागत हो जाता है ना। भय हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को भय है, इंसान को छोड़ दीजिए जानवर को भी भय है, जानवर भी हर किसी से डरता है, दूसरे जानवर से एक जानवर डरता है, कोई हिरण शेर से डरता है, कोई शेर शिकारी से डरता है, कोई हाथी महावत से डरता है, भय हर एक जीवात्मा के अंदर है। लेकिन ये जो जानवर और इंसानों में क्या अंतर है, जानवर जो है भगवान के शरणागत नहीं हो सकते, इंसान लोग जो है वो भगवान के शरणागत हो सकते हैं, मनुष्य जो है इंसान मनुष्य भगवान के शरणागत हो सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को सबसे उच्चतर क्या कहा गया है, भगवान मनुष्य जो शरीर है भगवान को भी बहुत प्रिय है, कि ये जो जीवात्मा जब इस मनुष्य शरीर में पर्टिकुलरली आता है ना, तो वो भगवान के शरणागत होकर के क्या कर सकता है, अपने आप को इस भवबंधन से बचा सकता है। इसके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भय से मुक्ति कौन देगा, उनके चरण कमल भय से मुक्ति दे देंगे। फिर आगे चल करके श्लोकों में भगवान और ब्रह्मा जी और कई अलग अलग वस्तुओं से कंपेयर करते हैं भगवान को, कंपेयर करने इन द सेंस कौन कौन सी चीजें भगवान की कौन कौन से अंग से प्रकट हुई, इन सारे वस्तुओं के विषय में ब्रह्मा जी आगे आगे श्लोकों में बताते हैं। अभी श्लोक क्रमांक 17 में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवात्माओं को किस प्रकार से भगवान मैनेज करते हैं। तो एग्जाम्पल देते ब्रह्मा जी, आप लोग देख सकते हैं 17वां जो श्लोक है, जिस प्रकार से सूर्य जो है वो अपनी किरणों से अंदर और बाहर हर एक अवस्था में हर एक परिस्थिति में उजाला प्रदान करता है, उष्मा प्रदान करता है ना। अभी मान लीजिए मेरा रूम बंद है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी सूर्य की किरणें आ रही हैं, मैं अंदर हूँ या बाहर रहूँ, सूर्य की किरणें समान रूप से सबको प्राप्त होंगी है ना। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अपने इस यूनिवर्सल फॉर्म या विश्व रूप से क्रिएशन के सृष्टि के हर एक कार्य को भगवान कर लेते हैं। जिस प्रकार से सूर्य क्या करता है, अपने सूर्य किरणों से हर एक संसार के कोने कोने को उजाले से रोशनी से भर देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने इस यूनिवर्सल फॉर्म यानी इस विश्व रूप से हर एक सृष्टि के पालनकर्ता बन जाते हैं, हर एक सृष्टि में जो भी कमियां हैं वो सबको पूरा कर देते हैं है ना। फिर आगे जाके जो श्लोक है श्लोक क्रमांक 18 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जो इतने महान हैं कि हम उनके जो गुण हैं उनको कभी तोल नहीं सकते। श्लोक क्रमांक 18 में क्यों नहीं तोल सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि वो अमरता और निर्भयता ये दोनों के नियंता है। अभी आप कहेंगे अच्छा भगवान ही नियंता है अमरता और निर्भयता के, तो उनके जो शरीर से जो देवी देवता प्रकट हुए हैं वो लोग नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा जी यहाँ स्पेसिफिकली नहीं कहते कि भगवान अमरता और निर्भयता के कंट्रोलर है ना। जैसे आप समझिए भगवद गीता में केवल भगवान ने ही कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महासुचः। अभी कोई और दूसरे देवी देवता ने कोई ऐसा इस प्रकार का कोई किसी के साथ डीलिंग नहीं किया या वादा नहीं कर रहा है कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ मैं तुम्हारे सारे पापों को मिटा दूंगा, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हम खुद पाप में जीवन कभी कभी जी लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि भगवान हर एक परिस्थिति में भगवान के शरणागत हो जाते हैं इसलिए भगवान हम पे ज्यादा दयालु हैं। बस असुरों और देवताओं में यही अंतर है। लेकिन देवता भी जो है वो इंद्र तृप्ति करना ही उनका गोल होता है स्वर्ग में, और ऊपरी लोकों में जो देवता होते हैं उनका भी इंद्र तृप्ति करना ही लक्ष्य होता है जीवन का है ना। वो लोग भगवान की भक्ति वहां नहीं कर पाते हैं, बहुत कठिन है भगवान की भक्ति कर पाना है ना, है ना। तो भगवान इसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इस चीज का वादा करते हैं, प्रमाण देते हैं भगवद गीता में कि मैं ही तुमको तुम्हारे सारे पाप से मुक्त कर सकता हूं अगर आप मेरे शरणागत हो जाओ है ना। और कोई व्यक्ति इस प्रकार का गारंटी नहीं देता है। अभी आज के श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें एक्चुअली प्रभुपाद जी ने पर्पट को दो पार्ट में विभाग कर दिया और भगवान ने भी बहुत सुंदर चीज से बताई है। मैं स्क्रीन में ऊपर शेयर करता हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं, भगवान का धाम
जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरण से परे स्थित है उसमें अमरता, निर्भयता, जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। अब यहाँ पे देखिए, हम समझ सकते हैं कि दो जगत है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आप सब जानते हैं कि भगवान की सृष्टि में भौतिक जगत जो है वो केवल एक चौथाई है ना, एक चौथाई भगवान ने सिर्फ भौतिक जगत को दिया है, बाकी जो बाकी का जो हिस्सा है वो पूरा आध्यात्मिक जगत है। उसमें वैकुंठ लोक हैं, द्वारका इत्यादि अलग अलग जो लोक हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे इस परपट में बता रहे प्रभुपाद जी कि जो मुक्त आत्माएँ हैं वो बद्ध आत्माओं से मात्रा में ज़्यादा हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो सृष्टि है आध्यात्मिक जगत की, जो सृष्टि है वो इस भौतिक जगत की सृष्टि से बड़ी है ना। अभी उस भौतिक जगत की सृष्टि और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि में अंतर क्या जानते हैं? यहाँ पे अंतर बता रहे हैं, क्या क्या अंतर बता रहे हैं? अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि, है ना। जिस विषय में खास करके हम सब भक्त लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं संसार में, उस आध्यात्मिक जगत में नहीं है। ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, किसी को कुछ प्रकार का भय नहीं है, है ना। अभी आप लोग कह सकते हैं कि ठीक है प्रो जी, अभी पृथ्वी में इस प्रकार का है तो क्या ऊपरी लोकों में भी सेम सिचुएशन है? हाँ जी, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। कैसे सेम सिचुएशन है, इसके विषय में प्रभुपाद जी परपट में किसका उदाहरण दे रहे हैं? महरलोक का, कि महरलोक जो है ब्रह्मलोक के आसपास ही नहीं आता है। तो ये स्वर्ग के ऊपर भी है, स्वर्ग के ऊपर है लोग, लेकिन वहां पर भी लोगों को मरने का भय होता है। कब? जब प्रलय होता है ना, जब प्रलय होता है वहां पर, तो वहां के जो निवासी हैं उन लोग को भी मरने का भय रहता है, इसलिए उस संसार उस लोक में रह करके वो ऊपरी लोकों में जाने का प्रयास करते हैं, है ना। अभी यहाँ पे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि भगवान भगवद गीता के सातवें अध्याय के चार नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, देखिए। भूमि रपो नलवायु खम्मन और बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। अभी जो भौतिक संसार जो है ये हम सब जानते हैं कि पांच धातु से बना हुआ है, जिसे भौतिक प्रकृति कहते हैं या अपरा शक्ति कहते हैं, इन्फीरियर एनर्जी, है ना, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन आठ वस्तुओं से ये भौतिक संसार बनता है, है ना। हर एक जीवात्मा को ये आठ वस्तुओं से बना हुआ शरीर प्राप्त होता है इस भौतिक संसार में, जो कि टेम्पररी है, है ना। और उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, सबसे कमियां तो यहाँ बता रहे हैं कि वो उसको जन्म लेना पड़ता है, उसको मृत्यु प्राप्त होती है, उसको व्याधियां सताती हैं, उसको बीमारियां मिलती हैं। अभी संसार में कोई बीमार नहीं होना चाहता, क्यों नहीं होना चाहता? अभी संसार का तो नियम है, लेकिन व्यक्ति बीमार क्यों नहीं होना चाहता? वो बीमार व्यक्ति बूढ़ा क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति शरीर नहीं है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहे हैं ना, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जीवात्मा अलग अलग शरीर को क्रॉस करके दूसरे शरीर में जाता है, इसका मतलब हम लोग ये शरीर नहीं है, हम क्या है? जीवात्मा है। अब हम जीवात्मा है और जीवात्मा का क्या है अस्तित्व, कैसा हम समझते हैं? सच्चिदानंद, उसको हमेशा आनंद ढूंढने की आदत है। जो जीवात्मा है वो हमेशा आनंद ढूंढता है, भले वो इस भौतिक शरीर में भी क्यों ना हो, उसको वो आनंद ही मिल चाहिए, वो आनंद के लिए ढूंढ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी को रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, तो रसगुल्ला खाएगा, लेकिन उसका मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी के साथ, खाते खाते पेट भर जाएगा, ओ प्रभु जी पेट भर गया, मन नहीं भरा। ये जो अंदर से ये इंक्लिनेशन है, कहाँ से आ रही है? आनंद को अनलिमिटेडली भोग करना, आनंद को अनलिमिटेडली एक्सेप्ट करना, ये जो आदत है, ये किसकी आदत है जानते हैं? ये जीवात्मा की आदत है, या आत्मा की आदत है, कि या आत्मा का स्वरूप है, मान लीजिए कि वो हमेशा हर एक चीज को बहुत एक्सपांड रूप में, बहुत ज्यादा मात्रा में भोग करना चाहता है, भोग इन द सेंस उसको रिलीश करना चाहता है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व ये है। लेकिन जब वो इस बद्ध शरीर में, इस भौतिक शरीर में आ जाता है, तो वो उसमें वो बंध जाता है, वो अनलिमिटेडली इस आनंद को भोग नहीं पाता, है ना। ये अंतर है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, है ना। फिर आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं,
अपरेयम मितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाभाव ये एकदम आधारित है जगत। अरे भगवान ने चौथे नंबर श्लोक में क्या बताया कि देखो अर्जुन, ये जो आठ प्रकृतियां हैं ना, ये मेरी ही शक्तियां हैं, लेकिन ये इन्फीरियर एनर्जी है अर्जुन, ये कभी कभी विनष्ट भी हो जाती हैं और वापस प्रकट हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको अभी ऐसी शक्ति के विषय में बताने जा रहा हूं जिसको पराशक्ति कहते हैं और वो कभी विनष्ट नहीं होती। अर्जुन, भगवान किसको बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं सातवें अध्याय के पांचवें नंबर श्लोक में, है ना। और वो अपराशक्ति क्या है? वो अपराशक्ति क्या है? भगवान की शक्ति आत्मा, है ना, और आत्मा से रिलेटेड हर एक चीज वो परमानेंट है, वो कभी अशाश्वत नहीं हो सकती, है ना। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर बता रहे हैं ना भगवान। फिर आगे के श्लोक में देखिए, और आगे के श्लोक में बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं, कहते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। यानी भगवान कह रहे हैं कि ये सारी जो वस्तुएं हैं, कौन, सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्ति से होता है, है ना। ये जो भौतिक शक्ति से ही सारे प्राणियों का उद्गम होता है, लेकिन इसका स्रोत क्या है वो मुझे जानो। जिस प्रकार से हम जिस प्रजे जो सेक्शन चल रहा है अभी भागवतम में, इसमें भी ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा जी, कि हर एक वस्तु के स्रोत भगवान है, सर्व कारण कारणम। जैसे पिछले अध्याय का चौथे अध्याय का नाम था ना सर्व कारण कारणम, वो जो सर्व कारण कारणम है उस भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्मा जी बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर भी भगवद गीता में भगवान वही बता रहे अर्जुन को कि ये जो आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति से जो भी जीवात्मा है उत्पन्न हो रहे हैं उनका स्रोत आप मुझे समझो। किसको समझो? भगवान कृष्ण को समझो, भगवान बता रहे इधर, है ना। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी देते भगवान कि जिस प्रकार से मत्था परंतरम नान्यत किश्चित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कहते हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं जीवात्मा पे ना, खुद से डायरेक्ट बता रहे हैं कि भाई मुझ पे आश्रित है, मैं ही सारे चीज का स्रोत रूप, तुम दूसरे जगह पे जाके अपना माथा क्यों फोड़ रहे हो, सीधा सीधा मेरे पास आके इसमें मेरी भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो। अभी यहाँ पे तो फिलहाल ये सब चैप्टर्स में इनडायरेक्टली बता रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के नौवे और बारहवें अध्याय में भगवान डायरेक्टली बताएंगे भक्त्याम अहम् अभिजानाति। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भगवान खुद डायरेक्टली बताएंगे कि मेरी भक्ति करना ही श्रेष्ठ है, मेरी भक्ति करना ही श्रेष्ठ है, और मेरी भक्ति करके ही तुम पराशक्ति में आ सकते हो, मेरी भक्ति करके ही आ सकते हो, अदरवाइज तुम इस संसार में घूमते रहोगे रोते रहोगे पर लेकिन कभी इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं देखिए, पढ़ते हैं आगे भी बहुत अच्छी चीज बता रहे भगवान। कहते हैं बलम बलवताम चाहम, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान हर एक चीज के स्रोत हैं, भगवान ने भगवद्गीता में हर जगह कहा है कि मैं ही जो बलवान है उसका बल मैं हूँ, जो बुद्धिमान है उसका बुद्धि मैं देता हूँ, है ना। लेकिन जीवात्मा क्या करता है वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वस्तुओं को, जैसे जैसे भगवद्गीता में भगवान ने कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को कोई व्यक्ति है जिसको सुंदर पत्नी की आवश्यकता है या सुंदर पत्नी की इच्छा है तो उसको पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से कर्मकांड का विधि भी भगवान बताए हैं। भगवान बहुत दयालु है एक्चुअली, हर एक जीवात्मा की जो बुद्धि है ना वो बुद्धि को सामने रखते हुए प्रैक्टिकली बताया कि क्या करना चाहिए आपको आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए। और हर एक चैप्टर में गीता ऐसा पर्टिकुलरली एक चैप्टर या दो चैप्टर में भगवान ने भक्ति के विषय में नहीं बताया, हर एक चैप्टर में भगवान ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृष्ण ने भगवान ने भक्ति करो इसके विषय में अर्जुन को समझा रहे। जैसे दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 44 से भगवान शुरू करते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अभी संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो एक बार रुक जाए, एक बार खत्म हो जाए तो जहां से खत्म हो वहीं से शुरुआत हो जाए। भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं आपको ऐसा कर्म बताऊंगा कि ना उसका आपको कर्म बंधन लगेगा और ना कहीं अगर वो किसी कारणवश रुक भी जाए
तो कभी खत्म नहीं होगा, वो वहीं से शुरू होगा। तो मतलब भगवान उनको भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन जब तक तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हें कर्म बंधन के जो चक्र है उसमें घूमना पड़ेगा। भले तुम ये सोच लो कि मेरे युद्ध न करने से ही अच्छा होगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा तो मेरे जो जो मेरे ग्रह सॉरी विष्णु पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोण हैं, जो गुरुजन हैं, मेरे जो बड़े हैं मुझसे, वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में ये धर्म नहीं है और इसका तुम्हें कर्म बंधन भोगना पड़ेगा अर्जुन, इसका पाप लगेगा, इस तुम्हारी निंदा करेंगे लोग। भगवान ने 10 श्लोकों में 31 नंबर श्लोक से लेकर के 40 या 42 ये जो श्लोक्स हैं, ये वर्सेस हैं, इन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो धार्मिक रूप से क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारी निंदा होगी। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान हमेशा जीवात्मा को हमेशा सतर्क करते हैं कि इस संसार में बहुत दुख है। इसके लिए भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, 13वें अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में बहुत सुंदर चीज कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, है ना। कहते हैं कि अर्जुन इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो अर्थ हैं यानी इंद्रिय तृप्ति के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, उनसे विरक्ति उत्पन्न कर लो अर्जुन। लेकिन जब विरक्ति उत्पन्न हो जाए ना तो अहंकार भी मत करना अर्जुन। अहंकार एव च इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। बहुत साइंटिफिक, बहुत सिंपल चीज बता रहे भगवान। भगवत गीता में बहुत सुंदर चीज बताई भगवान ने, अगर कोई इसको समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर ले तो इस संसार से फटाफट फटाफट उभर कर भाग जाएगा, भौतिक संसार से बाहर भाग जाएगा। क्या कह रहे हैं, सबसे पहला तो भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय तृप्ति के अर्थों से खुद को वैराग्य उत्पन्न कर लो, उनसे अपने आप को दूरी बना लो, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा दूरे नहीं अवरण कर्म बुद्धि योग धनंजय। आप मटेरियलिस्टिक जो एक्टिविटीज है, कौन सी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना या कर्म है उनसे अपने आप को दूर करके बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग का प्रयोग करो और मेरे शरणागत हो जाओ। वही चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं 13वें अध्याय में। क्या रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं इंद्रिय अर्थ से वैराग्यम, इंद्रिय के अर्थ से दूर हो जाओ, क्योंकि यही बंधन का कारण है अर्जुन, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं ना कि से जो जीवात्मा है वो मुझसे इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छाएं प्रकट करता है जो वास्तविकता में विष के समान है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो समझदार व्यक्ति हूं, मैं उन लोगों को कैसे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सुविधा दे दूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने चरणामृत दे करके उनके हृदय से क्या करता हूं, मैं इंद्रिय तृप्ति करने की भावना ही हटा देता हूं। भगवान इतने दयालु है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कितना दया दिखाते हैं। अब भगवान कृष्ण भी दया दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम इस भौतिक संसार के दोषों को देखो अर्जुन। वास्तविकता में और ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो लोगों को क्या कहा जाता है कि दोष मत देखना किसी में, भक्तों में दोष मत देखो, है किसी भौतिक संसार के लोग में भी दोष मत देखो, क्योंकि हो सकता है कि किसी जन्म में वो भौतिक संसार का व्यक्ति भक्त बन जाए तो हमें अपराध लग जाएगा, इस प्रकार से दोष मत देखो। लेकिन भगवान भगवद्गीता में कह रहे दोष देखो अर्जुन। कहाँ दोष देखो प्रभु, मान लो अर्जुन पूछ ले कि कहाँ दोष देखो मैं, कह रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, बार बार देखो ये दोष। क्या दोष, कि इसमें दुख है, दुखालय में शाश्वतम, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, व्याधि का दुख, और क्या दुख है, बीमारियों का दुख, बुढ़ापे का दुख। ये दुख को बार बार देखो, इस संसार में जितने ताप हैं, 7 प्रकार के जो ताप व्यक्ति झेलता है, 3 प्रकार के ताप झेलता है, ये 4 प्रकार की जो ये कमियां झेलता है, उसको बार बार देखते रहो, उसको बार बार ऑब्जर्व करो अर्जुन। दुख दोष अनुदर्शनम, 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 अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यू शुड सी दिस। आपको ये सब देखना चाहिए, जो दो दुख है, दोष है संसार के, तुम देखो तभी तुम इस संसार से ऊपर होने का प्रयास करोगे, अदरवाइज तुम इस संसार में रहने का इच्छा करोगे, है ना। अभी कल हम लाइसेंस के इशू के लिए आरटीओ ऑफिस गए हुए थे, आरटीओ ऑफिस के पास हम गए तो हम धोती कुर्ते में थे और सर मुंडा हुआ था,
तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे, जवान लड़के मेरे जैसे, और कह रहे थे अरे महाराज यहाँ क्या कर रहे, गोविंद देव जी मंदिर चले जाओ। अभी मुझे बोल रहे थे और मेरे साथ सासू ससुर को भी थे, बोले कि हम दोनों को बोल रहे जाओ गोविंद देव मंदिर चले जाओ। तो हम लोग हंस रहे थे कि अरे उन लोगों को गोविंद देव मंदिर जाने बोल रहे हैं। डायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग सोचते हैं कि साधु बन के लोग क्या जीवन जी रहे हैं, तो एकदम सूखा एकदम बेकार जीवन है, इनके जीवन में कोई मजा नहीं है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। देखो हम लोग कॉलेज में जाते हैं रोज नए जीन्स पहनते हैं, आजकल तो अलग अलग प्रकार के नए नए कलर के जीन्स आ गए, कोई रेड पहनता है, कोई ग्रीन पहनता है, अलग अलग प्रकार के जीन्स पहनते हैं, अलग टाइप के शूज पहनते हैं, अलग टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन इन लोगों का जीवन कितना सूखा है। देखो वही रोज लाल कपड़ा पहनो, वही स्वेटर, वही कोई सब कुछ, वही टकला मुंडाना, कोई हेयर स्टाइल नहीं, चश्मा भी अच्छा नहीं पहन सकते, उसके लिए भी सोचना पड़ता है अगर स्टाइलिश चश्मा पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो कितना सूखा जीवन है ना हमारा, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो लोग इतना दुख झेल रहे होते हैं ना संसार उस जीवन में, वो खुद बता भी नहीं सकते। आप किससे पूछोगे हाउ आर यू तो बोलेंगे आई एम फाइन, लेकिन आप थोड़ा सा पास में जाके पूछो कि हाउ आर यू, अरे क्या करूँ यार बच्चे बात नहीं सुनते, पत्नी चिड़चिड़ करती रहती है, क्या करें संसार में बड़ा दुख है, लेकिन किसको बताएं। ये दुख है लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करते हैं, जो अपने करीबी होते हैं उनको शेयर करते हैं। इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में बता ही दिया कि संसार दुखालय में अशाश्वत है, इसमें संसार में जीव सुखी रहने का प्रयास करे ये मूर्खता है उसकी। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस संसार में सुखी रहने का प्रयास न करें और जाए। अच्छा कौन लिखा है, हम जाए संसार से बाहर, संसार से बाहर जाकर के क्या करें, भगवान की पराशक्ति में जाके लीन हो जाए, लीन इन द सेंस उनकी सेवा करें वहां पर जाके, है ना। तो भगवान भगवत गीता में ये चीज बार बार समझा रहे, बार बार समझा रहे। देखिए शास्त्रों में ना ऐसा नहीं है कि गीता में भगवान कुछ और चीज समझा रहे, भागवत में कुछ और चीज समझा रहे, चैतन्य चरितमृत कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों जो मुख्य शास्त्र हमें प्रभुपाद जी ने दिए है ना, भगवान दो तीन चीजें हैं वो बार बार रिपीटेडली समझा रहे हैं। सबसे पहला क्या, भक्ति योग का आचरण करो, मेरे शरणागत हो जाओ, इंद्र तृप्ति मत करो, इन सारी चीजों से भगवान हमेशा हर एक जगह पे दूर रहने के लिए कह रहे हैं कि जीवात्मा का बंधन का कारण है। अभी आप लोग कहेंगे अरे प्रभु जी क्या, इंसान का मनुष्य शरीर मिला अगर हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करेंगे तो थोड़ा तो करने दो, थोड़ा सा तो भगवान उसकी भी छूट दे देते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको इंद्र तृप्ति करना है ना तो मुझे सेंटर में रख के करो। कैसे, मुझे कुछ खाना है, मैं रसगुल्ला बनाया, पिज्जा बनाया, बर्गर बनाया और मैंने क्या किया भगवान को ऑफर कर दिया, भगवान आप खा लो मैं खाऊंगा, लेकिन ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से हम भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख करके एटलीस्ट हम कर्म बंधन से बच जाएंगे ना तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा, है ना। कृष्ण को सेंटर में रख करके हर एक कार्य करना, ये हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत और भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। अच्छा है ना तरीका। ये भगवदगीता में भगवान कहते हैं, खुद मैं नहीं बता रहा हूँ, तीसरे अध्याय में भगवान बता रही है, आप कभी पढ़िएगा तीसरा अध्याय, इसके उस तीसरे अध्याय में भगवान ने ये सारी चीजें बताई है कि आप किस प्रकार से मुझे सेंटर में रख के कार्य कर सकते हो। कितना अच्छा है ना, थोड़ा इंद्र तृप्ति भी हो जाएगा, थोड़ा सा भक्ति भी हो जाएगी। एक बार हम उदयपुर में थे तो संडे लव फीस्ट में एक व्यक्ति आया, शायद मायापुर से कोई क्लास दे रहे थे या शायद मधुरगुण भी कोई क्लास दे रहा था, तो फिर उसने नहीं देवेंद्र माधव को क्लास दे रहे थे एक्चुअली, तो उस समय देवेंद्र माधव को सबसे पूछ रहे थे कि आप लोग का ये टॉपिक से क्या कहना है, भक्ति के विषय में क्या कहना है। तो एक व्यक्ति था उसमें, उसने कहा कि भक्ति करनी चाहिए, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ भक्ति करो, लेकिन दाल में नमक के बराबर। उसने खुद ही कह दिया कि दाल में जितना नमक डालते हैं ना भक्ति भी उतनी करनी चाहिए। भगवान को पता था ये चीज कि कलयुग में लोग इतने इतने समझदार होंगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं यार, तुम दाल में नमक बराबर भी करना चाहते हो ना तो सेंटर में मुझको रख के करना। तो फिर एक दिन आएगा कि तुम घी डाल के भी करोगे। तो संसार में लोग इस प्रकार के होंगे, भगवान को पता था, है ना। भगवान इतने दयालु हैं कि सब जानते हैं भगवान कि किस प्रकार के लोग आने वाले हैं। लेकिन इधर ट्विस्ट क्या है जानते हैं, ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस यूनिवर्सल फॉर्म को सर्वे सर्वा मान लेते हैं और वो कहते हैं कि भगवान का कोई पर्सनल रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है पर्सनल। जैसे हमारा अस्तित्व है ना, मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे नाक, मेरी आंख है, वैसे भगवान का कुछ नहीं है। भगवान ने एक भगवान थे, उसने अपने आप को इस यूनिवर्सल फॉर्म में विस्तारित कर दिया, अब वो खत्म हो गए। ऐसे कुछ लोग होते हैं और ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं जिनको मायावादी कहते हैं,
ये मायावादी लोग इतने डेंजरस होते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान का आकार ही नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं होता, और वो लोग भगवान को संसार में आने के लिए कुछ काम करना होता है, इसके लिए आकार नहीं लेता, संसार में आने के लिए काम करने के लिए आकार ले लेते हैं। कितना लॉजिकल है ना ये बात कि कोई निराकार होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसको खाना खाना होता है, इसके लिए आकार ले लेता है। कितना लॉजिकल बात करते हैं मायावादी लोग, एकदम एकदम लॉजिकल बात करते हैं मायावादी लोग, लेकिन वास्तविकता में प्रभुपाद जी उसको मूर्खता कहते हैं। और भगवान ये भी जानते थे कि ऐसे लोग आएंगे, इसके लिए भगवान ने गीता में भी कह दिया, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, ऐसे लोग भी आएंगे जो मुझे कहेंगे कि मैं पहले अव्यक्त रूप में था, लेकिन भौतिक संसार में आके लीला करने के लिए मैं व्यक्त रूप धारण करता हूँ। भगवान जानते थे ये सब चीज, इसलिए भगवान ने वो भी कह दिया, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम अबुद्धयः। भगवान ने इनको कहा है इनकी बुद्धि बहुत कम होती है, इनका इंटेलिजेंस जो है वो घुटनों में होता है, इसके लिए वो भगवान को अव्यक्त मानते हैं, अव्यक्त रूप थे, इस संसार में काम करने के लिए व्यक्त रूप धारण करते हैं। अब एक और सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, आप बताइए ट्यूबलाइट जो है, बल्ब जो होती है, वो बल्ब में से रोशनी आती है कि रोशनी में से बल्ब आता है, कोई बता सकता है? टाइम बहुत कम है, कोई हाथ उठा के कोई बता सकता है मेरे को कि बल्ब में से रोशनी आ रही है कि रोशनी में से बल्ब आ रहा है? कोई नहीं बताएगा, लगता है किसी को पता नहीं है, घर में ट्यूबलाइट नहीं है क्या? सिंपल सा बात है ना, हम ट्यूबलाइट चालू करते हैं तो अंधेरा कमरा रोशनी हो जाता है ना, लेकिन ये जो आद्य जो बाएंवादी लोग होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, नहीं रोशनी में से ट्यूबलाइट आता है। कितना इलॉजिकल बात है, लेकिन भगवान जानते थे कि ऐसे लोग भी आएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी इनके उद्देश्य को ये इसको तर्क को काटने के लिए प्रभुपाद जी एकदम वाइटल एकदम मस्त उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? अग्नि का। देखिए अग्नि के अंदर प्रधान तीन धातु होते हैं, है ना, सबसे पहला उसके अंदर उसकी ऊष्मा होती है यानी हीट, दूसरा क्या उसके अंदर क्वालिटी है, लाइट, उसके अंदर रोशनी होती, तेज होता है, और तीसरा क्या है, स्वयं अग्नि, है ना, स्वयं अग्नि। अग्नि के अंदर तीन धातु, वापस समझाता हूँ, अग्नि के अंदर कुल मिलाकर तीन धातु होते हैं, सबसे पहला उसके अंदर ऊष्मा होती है यानी गर्मी प्रदान करता है, हीट प्रदान करता है ना, दूसरा क्या है, रोशनी प्रदान करता है, लाइट प्रदान करता है, और तीसरा क्या है, स्वयं अग्नि, खुद अग्नि। ये तीन धातु से अग्नि बनी है, ठीक है। अभी हम जब अग्नि जलाते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं, हीट और लाइट, है ना। अभी जब हम अग्नि को बुझा देंगे तो हीट और लाइट भी अपने आप चले जाएंगे, लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं ये अग्नि को साइड में करके हीट और लाइट को सब कुछ मान लेते हैं, है ना। प्रभुपाद जी इस चीज का उदाहरण देते हैं कि मायावादी लोग इस प्रकार का काम करते हैं, जो अग्नि है उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, हीट और लाइट, और जो मायावादी हैं ये हीट और लाइट को सर्वे सर्वा मान के उसकी उस पर ध्यान लगाते हैं, है ना। तो भगवान क्या, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, ये भगवान जैसे अग्नि की शक्ति हीट और लाइट है, उसी प्रकार भगवान जो यूनिवर्सल फॉर्म जो है, भगवान की एक शक्ति है जिसको अचिंत्य शक्ति कहते हैं, अचिंत्य शक्ति जिसको कहते हैं, जो हमें पर्सनल रूप में भगवान दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो भगवान की ही एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल वायु, हम एयर, हवा, हम सांस ले रहे हैं लेकिन वी कैन नॉट सी एयर, हम वायु को देख नहीं सकते, इसको अचिंत्य शक्ति कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है लेकिन हम भगवान को नहीं देख पा रहे, ये भगवान की शक्ति को देख रहे हैं, इनडायरेक्टली हम भगवान को देख रहे हैं, है ना। जैसे भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं जल का मैं टेस्ट हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए हम जल पियेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन मायावादी लोग क्या कहते हैं, हाँ भगवान ही जल है, ये फालतूगिरी करते हैं मायावादी लोग। लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई मैं जल में मैं टेस्ट हूँ, यानी जो जल पीने के बाद जो मैं तृप्ति मिलती है, वो जो शक्ति है जल के अंदर, वो मैं देता हूँ जल के अंदर। और गन्ने का जूस पी के वो नहीं मिलेगा, भले थोड़ा मीठा लगे, बोलो प्यास थोड़ी बुझेगी उससे, वो हमको वापस जाके घर में जाके 2 घंटे और पानी पीना पड़ेगा। भगवान ने शक्ति दी उसके अंदर, इसको अचिंत्य शक्ति कहा जाता है, है ना। ये यूनिवर्सल जो फॉर्म है भगवान का, ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, अनेकानेक लाखों करोड़ों शक्तियों में से एक शक्ति है जिसको अचिंत्य शक्ति कहा जाता है। ये अचिंत्य शक्ति भगवान की एक शक्ति है जिसको यूनिवर्सल फॉर्म में हम देख रहे हैं, लेकिन मायावादी लोग ये अचिंत्य शक्ति को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं। लेकिन आपको सच बात बताऊं, चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद जो हुआ है, उसमें रामानंद राय कहते हैं कि ये जो मायावादी लोग होते हैं
ये कभी संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मायावादी जाकर के ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया. नेवर नेवर इट हैड हैपेंड. ये कभी नहीं हुआ है. उन लोग क्या होता है पता है उनके साथ, वो अगले जन्म में वृक्ष की योनि प्राप्त करते हैं, झाड़ बन जाते हैं लोग. आप सोचिए इतना मेहनत करते बेचारे, ध्यान लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन उनको वृक्ष बनना पड़ता है. रामानंद कह रहे, रामानंद राय कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य चैतन्य में पढ़ सकते रामानंद राय और भगवान महाप्रभु का संवाद में, उन लोग को वृक्ष बनना पड़ता है. कितना भयंकर वस्तु है ना. उन लोग इतना ध्यान लगाते हैं लेकिन प्रॉपर उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता. तो आज के श्लोक में देखिए, मोटा मोटी देखें तो भगवान ने दो चीज बताई, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत अंतर क्या है वो बताया है. और हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत ही सब, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसार में क्या रह के करेंगे यार, सब दुखी दुख है, हर व्यक्ति दुखी झेल रहा है. एक स्टेज आने के बाद व्यक्ति को रियलाइज होता है. इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि व्यक्ति भक्ति योग कब अपनाता है, जब उसको समझ में आता है कि मैं दुखी हूँ. आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु, वो चार लोगों में से एक दुखी व्यक्ति होता है जो भगवान की शरणागत, जो भगवान के पास आता है एक्चुअली, है ना. तो दुख है संसार में, भगवान ने दुख बनाए हैं इसके लिए कि हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं. भगवान का किसी के साथ द्वेष या ईर्ष्या नहीं है. हमारे साथ ऐसा मत सोचेगा कि भगवान हमने कुछ गलत किया इसलिए भगवान थोड़ा बदला निकाल रहा. नहीं, कोई भी पिता अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, भले वो बच्चा उनकी उनकी बात ना माने, है ना. फॉर एग्जाम्पल, किसी के चार बच्चे हैं, अगर उसमें से जो बड़ा बच्चा अपने पिता की बात नहीं मानता तो क्या पिता उसको खाना देना बंद कर देगा? नहीं, वो खाना देगा लेकिन थोड़ा प्रेम भले ही कम हो जाए लेकिन खाना देगा जरूर. सेम इसी में रहिए, कृष्ण जो हमारे परम पिता है, इस भौतिक संसार में हम उनके साथ झगड़ा करके संसार में आ गए, हम कहे कि आप क्यों अकेले भोग करना चाहते हो, हम खुद भोग करेंगे, ये सोच करके बुद्धि रख करके हम इस संसार में आ गए. लेकिन भगवान कितने दयालु, देगी टाइम टू टाइम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हमको. लेकिन हमारी ये बद्धावस्था के कारण, हमारी मूर्खता है कि हम भगवान को ही नकार देते हैं. हम भगवान, इतने महान भगवान जो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हमको अग्नि दे रहे हैं, हमको सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, हमको हवा दे रहे हैं, हमको खाने के लिए टाइम टू टाइम हर एक वस्तु दे रहे हैं. आप सोचिए ना, हर एक समय पे अपना अपना चीज अपने अपने टाइम पे अपने आप उग जा रहा है. जैसे गर्मी में आम आ जाता है, टेस्टी आम आ जाता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं. भगवान को कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता भगवान को. ये स्वार्थ है जीवात्मा का. जीवात्मा स्वार्थ में भगवान को याद नहीं करता. इधर मूर्खतापन और फिर संसार में मतलब दुख भोगते रहते हैं बस. और फिर बाद में कभी कभी तो कुछ लोग तो भगवान को दोष दे देते कि मेरे साथ भगवान ने ये क्या किया. अरे भाई, भगवान ने क्या किया? क्या भगवान गीता में बता रहे तुम जो करोगे तब बच जाओगे? वो तो करते नहीं हो, गीता पढ़ते नहीं हो, कैसे पता चलेगा भगवान ने ये क्या कर दिया? सब मूर्खता है. ऐसे लोग को पकड़ के पीटना चाहिए जो ऐसा बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ क्या किए. ठीक है, तो आज के श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि हम लोग को आध्यात्मिक प्रकृति जो है, जिसमें जन्म मृत्यु जरा आदि नहीं है, उसमें जाकर भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए. देखिए, भक्ति हम यहाँ भी करें वहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ भक्ति करने में वहाँ भक्ति करने में जमीन आसमान का अंतर होता है ना. ठीक है, तो अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं. और किसी कुछ प्रश्न है, एक दो क्योंकि नौ तो यहाँ बज चुके हैं पहले से, तो एक दो कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. किसी कुछ प्रश्न है?